हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले क्लोट्रीन क्रीम्स के बारे में। क्लोट्रीन क्रीम्स का क्या है, जो है कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन लगी और किस प्रकार काम करता है, ये क्रीम्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और तथा हमें फंगल इन्फेक्शन के इलाज में दिए जाने वाले क्रीम्स इतने यूजफुल क्यों है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो क्लोट्रीन क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं क्लोट्रीन क्रीम, जो कि हमारे पास 15 ग्राम्स का क्रीम से, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास क्रीम से उसकी एमआरपी 49। क्लोट्रीन क्रीम्स को नो लाइफ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। क्लोट्रीन क्रीम्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर कंपोजिशन से क्लोट्राइमाजोल 1% वेट बाई वेट इसके अंदर डाले गए हैं। क्लोट्रीन क्रीम्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइडल क्रीम से। क्लोट्रीन क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोट्रीन क्रीम से एक एंटी फंगल क्रीम से, यह फंगस के वृद्धि को रोकता है और मारता है। ये इन्फेक्शन के कारण होने वाले लक्षणों से राहत देता है। इसका इस्तेमाल रिंगवर्म, एथलीट फुट, फंगल नेपिरस, फंगल स्वेट रस जैसे इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोट्रीन क्रीम्स का इस्तेमाल फंगल तवसा इन्फेक्शन जैसे दांत तवसा या खोपड़ी का फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फुट, पैरों की अंगुलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन, फंगल नेपिरस, नेपी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली तवसा पर सकते हैं और फंगल स्वेट रस के उपचार में ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये योनि और बाहरी थ्रस या लिंग के अंत में जलन से भी राहत देता है जो थ्रस से जुड़ा हो सकता है। क्लोट्रीन क्रीम्स का इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट्स में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको पसीने की वजह से आपकी जांघों के नीचे इचिंग, खुजली या रैशेस या फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए क्लोट्रीन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोट्रीन क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो क्लोट्रीन क्रीम्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया पे लगाएं। सब जगह स्क्रीन को न लगाएं। वही क्रीम्स का इस्तेमाल आप ट्वाइस ए डे ये क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे और रात को सोते वक्त अपने अफेक्टेड एरिया पे क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोट्रीन क्रीम्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है तवसा पर पपड़ी बनना, इस्तेमाल वाली जगह पर जलन होना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो क्लोट्रीन क्रीम्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। क्लोट्रीन क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स क्लोट्रीन क्रीम्स। क्लोट्रीन क्रीम्स मुख्य रूप से फंगस की वृद्धि को रोकने का काम करता है। यह तवसा पर फंगी के सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके काम करता है। क्लोट्रीन क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल वैसे फैमिली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से क्लोट्रीन क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो क्लोट्रीन क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लोट्रीन क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी क्रीम्स या एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।